हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट फोर के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट फोर में आपका क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, उसका प्रॉपर्टी क्या है, इन सभी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सेंट्रॉयड ऑफ ग्रेविटी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चलेंगे। ठीक है, तब चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, सेंट्रॉयड ऑफ ग्रेविटी। ठीक ठीक है, अब देखो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। आपका टॉपिक क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पहले हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग सेंट्रोइड के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड का हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने में। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, जैसे मान लो कोई ये बॉडी है, ये आपका बॉडी है, ये बॉडी है, मान लो ये आपका पूरा बॉडी है, ये पूरा बॉडी है, ये बॉडी कैसा है आपका, ये आपका 3D बॉडी है, पूरा मास इसमें भरा हुआ है। ठीक है, जब इसको एक्स एक्सिस से काटेंगे, वाई एक्सिस से काटेंगे, जब इसको हम एक्स एक्सिस काटेंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। ये जो पॉइंट है, ये पूरे मास का ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कहने का मतलब हम क्या कहते हैं, मान लो कि ये आपका बॉडी है, एक मान लो कि इस टाइप का आपका बॉडी है, इसका मान लो यहाँ पे एक मास, यहाँ पे कुछ M1 है, इसका M1 मास है, यहाँ पर मान लो दूसरा बॉडी है, इसका मास मान लो M2 है, यहाँ पे मान लो इसका तीसरा बॉडी है, यहाँ पे M3 है, यहाँ पे मान लो कहने का मतलब बहुत सारे इन्फिनाइट पॉइंट है और इन्फिनाइट पॉइंट पर सबका अलग अलग मास है। हम क्या करते हैं कि एक ऐसा पॉइंट डिसाइड करते हैं, एक ऐसा पॉइंट डिसाइड करते हैं जिसपे जो हम मास लेते हैं, मास जो वेट लेते हैं M2g, वो इस चारों मास के बराबर में हो। इस चारों मास के बराबर में अगर हो गया, ये आपका मास आ गया, तो यही आपका पॉइंट क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। ठीक है, मतलब कहने पूरे बॉडी का जो मास है, इस पॉइंट पे आपका बैलेंस है, इस पॉइंट पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। ठीक है, ठीक। अब देखो डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ए पॉइंट थ्रू लिखा हुआ, देखो ए पॉइंट थ्रू विच द होल वेट, मतलब पूरे बॉडी का वेट, इस पूरे बॉडी का वेट, ठीक है, होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजिशन इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, पूरे बॉडी का जो वेट है, ठीक है, एक पॉइंट पे लगता है, इस पॉइंट पे जो लग रहा है, इरिस्पेक्टिव पोजिशन पे जो लग रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक, अब देखो सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, अब देखो डिफिनेशन इसका लिखा हुआ है, द प्लेन फिगर लाइक ट्रायंगल, देखो ये लाइक ट्रायंगल, क्वाड्रेंटल, या फिर सर्किल, या फिर ट्रेपेजियम, ठीक है, बहुत सारे एरिया हो सकता है, हैव वनली एरिया। इसमें क्या होता है, वनली हम लोग सेंट्रोइड में क्या करते हैं, हम लोग वनली एरिया को कंसिडर करते हैं, पूरे मास को कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, उसका जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जो एरिया का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रोइड कहेंगे। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, वनली एरिया को हम लोग डिसाइड करते हैं, बट नो मास, मास को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं। तो द सेंटर ऑफ एरिया जो होता है, जो सेंटर ऑफ एरिया होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रोइड कहेंगे। कहने का मतलब जो आपका 2D फिगर होता है, जैसे 2D फिगर हम लोग सिर्फ एरिया को कंसिडर करते हैं, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये आपका 2D फिगर है, ठीक है, ये कहता है आपका सिलेंडर था, ये आपका क्या था, 3D फिंगर था, इसमें मास को हम लोग कंसीडर करते थे, जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं उसमें हम मास को कंसीडर करते हैं, जब भी हम सेंट्रोइड निकालेंगे उसमें हम लोग मास को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रोइड कहेंगे। इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रोइड कहेंगे। इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको क्या कहेंगे, हम लोग सेंट्रोइड कहेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड में डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, अब देखो चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है आपका, अब देखो कोई यूनिफॉर्म बार है, ये रेक्टेंगल बार है, ये आपका सर्कुलर बार है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, आप एक्स एक्सिस से मान लो ये पूरा आपका लेंथ क्या है, पूरा लेंथ डी है, ये एक्स एक्सिस हम लोग कहाँ पे D/2 पे देते हैं, आधे डिस्टेंस देते हैं, ये आपका आधे डिस्टेंस पे ये एक्स एक्सिस है, और ये आधे डिस्टेंस पे आपका वाई एक्सिस है, दोनों का जो मीट पॉइंट है यही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, ये आपका 3D फिगर है, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा, ये भी आपका
एज इट इज है इसी की तरह है, ये भी आपका क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको स्मॉल से हम लोग सी जी से डिनोट करते हैं। रेक्टेंगल को सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए जनरली हम लोग एक्सिस मेथड से भी निकाल लेते हैं और डायगोनल मेथड से भी निकालते हैं। डायगोनल मेथड से जो निकालते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो काफी ज्यादा आपका बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका रेक्टेंगल है, ये आप यहाँ से आप इसको डायगोनल खींच दो, डायगोनल खींच दिए, इसके बाद ये आपका दूसरा डायगोनल है, जहां पे जो मीट किया ये पॉइंट पे मीट किया, यही आपका क्या कहलाएगा सेंट्रोइड कहलाएगा। ठीक है, क्यों, ये 2D एरिया है आपका, 2D का डायग्राम है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल है आपका, रेक्टेंगल 2D है, तो ये आपका सेंट्रोइड कहलाएगा। ठीक, उसके बाद ये आपका, ये भी आपका एक रेक्टेंगल है, इसका भी सेंट्रोइड देखो कहाँ का, डायगोनल एरिया ले लिया यहाँ से, यहाँ से भी आपका डायगोनल लेंथ ले लिया, दोनों जहाँ पे मीट कर रहा है वही आपका क्या कहलाएगा सेंट्रोइडल कहलाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। इसी तरह सभी, जैसे रेक्टेंगल आएगा फिर ट्रायंगल आएगा, ट्रायंगल का सेंट्रोइडल क्या होगा। ठीक है, इसी तरह आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है आपका, आप देखो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे तो कहाँ पर आएगा, जनरली ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होता है, नीचे से जो लेते हैं वो कितना लेता है, वो h बाय आपका 3 होता है। ठीक, और ये मान लो कोई बोलेगा ऊपर से यह सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना होगा, ये आपका होगा 2h/3 होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। ठीक, वैसे मान लो किसी इस वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर डालते हैं और इस वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर डालते हैं और इस वर्टेक्स से हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, ये पॉइंट जहाँ पे मीट करता हुआ आपका क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है ट्रायंगल का। ठीक है, अब देखो कोई पूछ देगा कि बेस से कितने हाइट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो h/3 पे होगा। बोल देगा कोई टॉप से कितने बिलो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, 2h/3 पे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसी तरह ट्रेपोजियम का देखो, ट्रेपोजियम का क्या है, ट्रेपोजियम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग बेस से लेंगे। ये पूरा मान लो कि आपका हाइट h है, ये आपका बेस b है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपोजियम के एरिया का 1/2 a+b × h होता है। ठीक है, h होता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा बेस से, h/3। यहाँ से हम लोग लगते हैं जो यहाँ से ये हाइट कितना होगा h/3 × 2a, ये 2a+b / a+b, ये आपका फॉर्मूला याद रखना है। कोई पूछ देगा कि ट्रेपोजियम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, सीधे आपको याद रखना होगा h/3 × 2a+b / a+b होता है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये आगे जाके आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने में काफी ज्यादा काम देगा। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगल का क्या होता है, इस रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, ये मान लो पूरा डी है आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा d/2 पे होगा। ठीक है, समझ रहे हो, इसका भी d/2 पे होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक, अब देखो अगला पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, ये आपका सेमी सर्किल है, ये पूरा रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपका सेमी सर्किल है, कैसा है ये सेमी सर्किल है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो 4r/3π होगा, 4r/3π पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे आपका cg लाई करेगा। ठीक है, जनरली क्या होता है, जहां पे मास ज्यादा रहता है, जिस साइड से आपका मास ज्यादा रहेगा लगभग आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं पे लाई करेगा। मान लो कोई बोल देगा कि यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मास देखो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, मास ज्यादा कहाँ है, इस एरिया मास ज्यादा है, ये वाले एरिया में, यहीं पे आपका कहीं पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, तो कितना लाई करेगा, 4r/3π पर आपका सेमी सर्किल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। ठीक है, अब देखो हेमिस्फीयर आता है, हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा, तो 3r/8 पे आपका हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। एक नंबर के क्वेश्चन में काफी ज्यादा पूछ सकता है कि सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितने पर लाई करता है, बेस से पूछ देगा, तो आपको याद रखना है 4r/3π पे लाई करता है। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन जैसा आपको पूछ सकता है, तो आपको ये पूरा रिजल्ट याद रखना है। ठीक, अब देखो अगले पॉइंट पे चलते हैं, अब देखो
सेंटर ऑफ ग्रेविटी सॉलिड कौन है, ये आपका क्या है, सॉलिड कौन है, सॉलिड कौन है, सॉलिड कौन का जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, लाई करेगा कहाँ पड़ेगा, एच बाय फोर पे। ये मान लो कौन का पूरा हाइट एच है, पूरा हाइट एच है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लाई करेगा ये एच बाय फोर पे लाई करेगा आपका, ठीक है, एच बाय फोर पे लाई करेगा, ठीक। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्सिया पे आते हैं, अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्सिया पे आते हैं। जनरली मोमेंट ऑफ इनर्सिया में हम लोग तीन पॉइंट पे ध्यान देंगे, एक तो फोर्स पे, दूसरा एरिया पे और तीसरा मास पे। इस तीन पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसी तीन पॉइंट पे आपका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्सिया इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्सिया का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है, अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्सिया का डिफिनेशन क्या होता है। जैसे मान लो कि मोमेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं, ये आपका बॉडी है, ये मान लो ये आपका बॉडी है, कोई फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, कोई आपका फोर्स लगा हुआ है, कोई फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, फोर्स लगा हुआ, इसका हमको मोमेंट निकालना है। मोमेंट हम लोग क्या करते थे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते थे, पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एल है, तो पी इंटू एल आपका मोमेंट आ जाता था। अब इस मोमेंट का हम सेकेंड मोमेंट लेंगे और इस मोमेंट का हम लोग सेकेंड मोमेंट लेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया कहलाएगा। इस मोमेंट का हम लोग सेकेंड मोमेंट लेंगे, वो आपका क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। कहने का मतलब जो हम लोग सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स जो निकालते हैं, सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स जो निकालते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्सिया कहते हैं। सीधा सी सीधी सी बात है, सिर्फ एक लाइन ही याद रखना है, सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स जो निकालते हैं वही आपका क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया कहलाता है। जैसे देखो ये मोमेंट निकला, ये आप मोमेंट एम ए निकल गया अपना, एम ए इक्वल टू कितना निकला, पी इंटू एल। अब देखो यहाँ पे एम ए लग रहा है, इस बॉडी पे एम ए लग रहा है, मोमेंट लग रहा है एम ए। अब जो इसका मोमेंट लेंगे, इसका मोमेंट, ये मोमेंट लग रहा है एम ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल, एम ए इंटू एल, एम ए का वैल्यू कितना था, पी इंटू एल है, पी इंटू एल, यहाँ पे पुट कर दिया पी इंटू एल, ये आपका पूरा वैल्यू कैलकुलेट करने में कितना है, पी पी एल स्क्वायर आ गया। कहने का मतलब फोर्स इंटू सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स, कहने का मतलब ये क्या हो गया, सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स, इसी को तो बोलते हैं सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स। पी क्या है आपका, पी का फोर्स है, ये आपका लेंथ है, ठीक है, तो दो बार मोमेंट लिए हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया एट पॉइंट ए है इक्वल टू पी एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्सिया का क्या डिफिनेशन होगा, सेकेंड मोमेंट ऑफ फोर्स जो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, ठीक है। तो पहला मोमेंट होता है पी इंटू एल, फिर इस मोमेंट का हम दोबारा मोमेंट लेते हैं उसी लेंथ पे, परपेंडिकुलर लेंथ पे, तो वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकल जाता है, ठीक। अब देखो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक, मान लो कोई ये बॉडी है आपका, ये आपका कोई बॉडी है, ठीक, इसका बॉडी मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, ठीक, इसका एरिया ए है, ठीक। हम क्या करते हैं, इसका एरिया ए है, हम एक छोटा सा एरिया डी ए ले लेते हैं, डी ए एक एरिया ले लिए, डी ए छोटा सा एरिया ले लिए हैं, एक डी ए छोटा सा एरिया हम लोग एक डी ए ले लिए हैं, ठीक, ये पूरा एरिया ये मान लो यही आप एरिया मान लो, ये एरिया मान लो ये आपका डी ए, एक छोटा सा एरिया है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि हम लोग को निकालना है मोमेंट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस मतलब आई एक्स 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 के अबाउट हम लोग को मोमेंट निकालना है, क्या होगा, ये जो आपका पूरे एरिया को हम लोग मोमेंट क्या, डबल मोमेंट लेंगे, डबल मोमेंट ये छोटा सा एरिया है, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपका वाई है ना जी, डबल मोमेंट है, दो बार मोमेंट लेंगे, तो डी ए इंटू वाई का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर क्यों, क्योंकि दो बार मोमेंट लिए, एक बार डी ए इंटू वाई आएगा, फिर इसका मोमेंट पूरा हम लेंगे वाई इंटू वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्सिया आ जाएगा, ठीक है। ये आप छोटे से बॉडी के लिए लिए हैं, एक डी ए जो छोटे से एरिया के लिए, आप पूरे एरिया के लिए ना, तो हमको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, यही आपका क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसको मोमेंट ऑफ इनर्सिया वाई वाई एक्सिस के रिगार्डिंग लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्सिया वाई वाई एक्सिस के रिगार्डिंग, ये क्या आएगा आपका, तो डी ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, एक्सिस, डी ए इंटू एक्स, डबल मोमेंट लेंगे,
एक्स का यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये डी ए छोटे से एरिया के लिए है, जिसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपका पूरे होल एरिया का आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आपका पूरे होल एरिया का आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस के अबाउट आपका मोमेंट क्या आएगा, डी ए इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा, आपका वाई एक्सिस के अबाउट क्या आएगा, डी ए इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखो यहीं पे इसको डिफाइन किया गया। पहले हम लोग बेसिक से चलेंगे, पहले हम लोग क्या करते थे, मोमेंट निकाल देते हैं, कोई भी एरिया है इस एरिया का हम लोग मोमेंट निकालेंगे, पूरे एरिया का मोमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो वाई एक्सिस के अबाउट हम लोग जो मोमेंट निकाले हैं, पहला मोमेंट निकाले हैं वाई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो एरिया, ये टोटल एरिया, ये जो आपको पीला कलर का दिख रहा है ये टोटल एरिया, ठीक है, उसको हम लोग क्या किए हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सी जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम ओ वाई, ओ वाई से ये आपका ओ वाई है, ठीक है, ओ वाई, ओ वाई ये आपका एक्सिस है ओ वाई, यहाँ से हम लोग क्या किए हैं, परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस लिए हैं सेंटर ऑफ सी जी से, ये एरिया क्या है, मोमेंट कहलाएगा आपका वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट कहलाएगा मोमेंट। ठीक है, तो एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम मेरा क्या आ जाएगा, मोमेंट आ जाएगा। एरिया इसका क्या है, हम लोग ए माने, ए कैलकुलेट करते हैं, ए इंटू एक्स, ये वाई एक्सिस की रिगार्डिंग मोमेंट आ गया। इसी तरह हम लोग एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग मोमेंट निकालेंगे, तो एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम ओ एक्स, ओ एक्स ये आपका ओ एक्स, ओ एक्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई है, तो ए इंटू वाई आ जाएगा आपका एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग आपका मोमेंट। ठीक है, अब इस मोमेंट का हम लोग फिर से मोमेंट लेंगे, ठीक है, मोमेंट लेंगे तो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो ही आपका क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्सिया वाई एक्सिस के रिगार्डिंग क्या आएगा, एम वाई एक्सिस, एम वाई एक्सिस क्या आया, ए एक्स, एम वाई एक्स, ए एक्स आया है, ए एक्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम ओ वाई क्या था, एक्स है आपका, मल्टीप्लाई एक्स कर दिए तो ए एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, सेम चीज है, ठीक है, दूसरा ये आपका पूरा ब्रीफ वाला विधि है, ठीक, प्रोसेस है, ये आपका शॉर्ट प्रोसेस था। ठीक है, इसी तरह एक्स एक्सिस के अबाउट लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्सिया, एम एक्स एक्सिस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम ओ एक्स, ये ओ एक्स का डिस्टेंस क्या है, ओ एक्स से डिस्टेंस क्या है आपका, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई है, यहाँ पे ए वाई ऑलरेडी निकाले हुए थे तो मल्टीप्लाई कर देंगे वाई से, तो ये आपका क्या है, ए वाई का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखो अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, पोलर मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्सिया समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग आपको बताते हैं रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो आपका, ये मान लो आपका, ये आपका क्या है, रेक्टेंगल प्लेट है, रेक्टेंगुलर एरिया है, ठीक है, क्या है आपका, रेक्टेंगल एरिया। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मोमेंट ऑफ इनर्सिया फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, अब देखो हम लोग इसका रेक्टेंगल निकालेंगे, ये मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, पेन चेंज कर लेते हैं, देखो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है। ठीक, पूरा जो इसका डेप्थ है वो आपका क्या है, डी है। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब मान लो हमको इसका विड्थ बी दिया हुआ है, विड्थ पूरा क्या है आपका, डी है। ठीक है, मान लो क्या किए हम, एक छोटा सा स्ट्रिप ले लिए, यहाँ पे मान लो एक स्ट्रिप ले लिए, छोटा सा स्ट्रिप ले लिए, छोटा सा स्ट्रिप ले लिए, छोटा सा स्ट्रिप ले लिए, ये आपका स्ट्रिप है, छोटा सा स्ट्रिप ले लिए। ठीक है, तो इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, इसका डेप्थ क्या होगा, डेप्थ इसका डी वाई हो गया, और इसका विड्थ तो सेम रह जाएगा, विड्थ तो पूरा बी ही है, पूरा विड्थ तो बी ही है, पूरा विड्थ क्या है आपका, पूरा विड्थ बी है, ये छोटा सा एरिया ले लिए है। ठीक है, छोटा सा एरिया, ठीक है,
इसका डिस्टेंस क्या है, वाई है, ठीक। तो इसका एरिया क्या होगा, इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, तो बी इंटू डी वाई आएगा, बी इंटू डी वाई आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से डिस्टेंस क्या है आपका, एक्स एक्सिस से नीचे ये जो आपको जो हम लगते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, ये पॉजिटिव, ऊपर वाला भाग पॉजिटिव और नीचे वाला भाग निगेटिव कहलाएगा, ठीक है। ये एक्सिस जो है इसका दो पार्ट में डिवाइड किया, ये आपका डी बाई टू आ जाएगा, ये नीचे का पार्ट है माइनस में आएगा, ये आपका आएगा डी बाई टू, ऊपर में है तो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डबल मोमेंट निकाल देते हम लोग। ये आपका एरिया क्या है, इस स्ट्रिप का एरिया क्या है, बी इंटू डी वाई है, बी इंटू डी वाई और इंटू में डबल मोमेंट में यहाँ क्या करते थे हम लोग, वाई स्क्वायर करते थे, ठीक है। अब जो हम लोग ये स्ट्रिप लिए हैं, ये छोटे से एरिया के लिए हैं, अब हमको पूरे ये रेक्टेंगल का निकालना था, क्या करते हम लोग इंटीग्रेट करते थे, इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, तो माइनस डी से डी बाई टू तक करेंगे, माइनस डी बाई टू से डी बाई टू तक करेंगे, ठीक है। ये आपका एरिया किसका है, स्ट्रिप का एरिया है, ठीक। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ये आपका आएगा बी इंटू वाई क्यू अपॉन में थ्री आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, माइनस डी वाई टू अपॉन में डी वाई टू, ठीक। अब इसमें वाई का वैल्यू पुट कर दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर दोगे, तो लोअर लिमिट पुट करने के बाद आपका क्या आएगा, बी इंटू, जैसे मान लो यहाँ अपर लिमिट पर पुट कर दिए, तो ये आपका क्या आएगा, डी क्यू अपॉन बाय 24 माइनस डी क्यू बाय 24 आएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेगा तो ये आ जाएगा आपका 24 प्लस और ले लोगे तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 24 कट जाएगा, यहाँ पर डी क्यू इक्वल टू 2 आएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट आपका क्या आया, बी डी क्यू बाय 12, ठीक है, समझ गए। सबसे पहले क्या किए हम लोग, ये आपका रेक्टेंगल था, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप लिए, स्ट्रिप का एरिया निकाले, इस एरिया का हम लोग मोमेंट डबल मोमेंट ले लिए, बी डी इंटू इंटू वाई स्क्वायर कर दिए, इस पॉइंट पे, ठीक है, वाई स्क्वायर यहाँ से। उसके बाद ये स्ट्रिप के लिए थे, ये पूरा एरिया का लेना है, हमको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है, तो माइनस डी वाई टू से डी वाई टू तक करना है, इसको इंटीग्रेट किए तो ये आपका क्या वैल्यू आ गया, बी डी क्यू बाय 12 आ गया। कोई भी आपको पूछे किसी रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है एक्स एक्सिस के अबाउट, तो आपका बी डी क्यू बाय 12 होगा। अगर यही पूछ दे आपका y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो y एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो y एक्सिस के अबाउट होगा आपका d bq by 12 हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपका क्या होगा, यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बीम में काफी ज्यादा यूजफुल होगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, तो अच्छे से सीख लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह आप ट्रायंगल का निकाल सकते हैं, ट्रेपोजियम का निकाल सकते हैं। इसमें भी एक छोटा सा स्ट्रिप लीजिएगा, यहाँ से आपका हाइट लीजिएगा, उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। सारे जितने भी आपके ज्योमेट्रिक हैं, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, उसके बाद आपका ट्रेपोजियम है, उसके बाद कोण है, सबका आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखो चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट आपका है पोलर मोमेंट, ठीक। रिजल्ट हम सबका बता देंगे, ट्रायंगल का क्या होता है रिजल्ट और रेक्टेंगल का क्या होता है, उसके बाद आपका क्या कहते हैं ट्रेपोजियम का रिजल्ट क्या है, तो उसका रिजल्ट सारा बता देंगे आप लोग। रिजल्ट सिर्फ याद रखना है, ठीक। अगर डेरिवेशन पूछता है तो आपको डी एक्स छोटा सा एरिया स्ट्रिप मान के स्ट्रिप का एरिया मानिएगा, पूरा इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो उससे आपका डेरिवेशन क्वालिफाई मिल जाएगा, ठीक है, डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक। अब देखो पोलर मोमेंट क्या है, पोलर मोमेंट भी आपका ये आईपीसी को डिनोट करते हैं, जो मोमेंट जो आपका आएगा, जो मोमेंट आप निकालोगे एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के जो अबाउट मोमेंट निकालोगे, ठीक है, उस दोनों को जो ऐड कर देगा तो वही आपका क्या कहलाएगा,
पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। ठीक है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है, टॉर्शन के अगेंस्ट जो होता है रेसिस्टेंस जनरेट करता है। ठीक है, ठीक। तो पोलर मोमेंट याद रखिएगा, जो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकालते हैं वो, और वाई एक्सिस के जो अबाउट मोमेंट निकालते हैं वो, दोनों को आप एड कर दीजिएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका पोलर मोमेंट निकालेगा। अब देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्सिस है, ये आपका कोई एक्सिस है, ठीक है, आपका ये आपका ये बॉडी है, और इस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मान लीजिए डिस्टेंस आपका के है, ठीक है, के है, तो इसका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई इक्वल टू, हम लोग क्या निकलते हैं, आई इक्वल टू एरिया इंटू के स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पे एक्स रहता तो एक्स स्क्वायर हो जाता, समझ रहे हो, तो एरिया इंटू के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लिखते थे। तो k जो आपका है, ये जो k जो आपका यही k जो आपका क्या है, ये k कोफिशिएंट जो है यही आपका रेडियस ऑफ गायरेशन है। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन है, अभी आपको बताते हैं कैसे होगा। तो k इक्वल टू k का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, i अपॉन a रूट अंडर, k का फॉर्मूला क्या आएगा, रूट अंडर i अपॉन a, यही आपका क्या आएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया। ठीक है, अब देखो थोड़ा और दूसरे दूसरे मेथड से समझो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, थोड़ा सरब कर लेते हैं, बताते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। मान लो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा आपका, थोड़ा सा देख लो, एक मिनट देख लो, ये देखो क्या होगा रेडियस ऑफ गायरेशन, ये देखो रेडियस, मान लो कोई एक आपका बॉडी है, ये मान लो आपका एक बॉडी है, कोई सर्कुलर बॉडी है, ठीक है, बॉडी है, इसका मान लो एरिया, मान लो आपका एरिया दिया हुआ है, इसका मान लो एरिया आपको दिया हुआ है 100 mm2, ठीक, 100 m² दिया हुआ है, मान लो 100 m² दिया हुआ है, ठीक है, 100 m² दिया हुआ है, ठीक। अब मान लो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ, मान लो ये आपका बॉडी है, इसका एरिया कितना दिया हुआ, 100 mm² दिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट दिया हुआ आपका 500, ठीक है, 500 m², ठीक। अब क्या करते हैं, इस बॉडी को हम लोग स्ट्रिप में चेंज कर देते हैं, एक स्ट्रिप में हम लोग इसने क्या किए, इस बॉडी को, सर्कुलर बॉडी को चेंज कर दिए, ठीक है। अब जो यहाँ से मोमेंट निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालेंगे यहाँ से, वो आपको सेम आना चाहिए, जो पहले जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5000 था, 5000 m² था, mm² था, वही आपका यहाँ से भी हम इस स्ट्रिप का निकालेंगे तो वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आना चाहिए, दोनों का आपका मोमेंट ऑफ सेम आना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो वही आपका क्या है, वही आपका रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा, ये जो आपका डिस्टेंस यहाँ से, ये जो आपका डिस्टेंस रहेगा ना, ये डिस्टेंस, ठीक है, यही डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से समझ लो एक बार, ये आपका क्या है, ये आपका बॉडी है, इसका एरिया मान लो 100 है, 100 m², इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो कि हम एज्यूम कर ले कि 500 mm² है या m² है, ठीक है, m^4 है, ठीक। अब मान लो इसको हम क्या किए, स्ट्रिप में चेंज कर दिए, ठीक। अब मान लो हम इस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालेंगे, इसका इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसी डिस्टेंस पे, मान लो के डिस्टेंस पे निकाले हैं, ठीक है, तो ये जो आपका डिस्टेंस है यही डिस्टेंस आपका रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा, ठीक है। और ये जो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, वो जो पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, वो दोनों आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, सबको समझ में आ गया, ठीक। अब देखो यूनिट पे आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर यूनिट पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यूनिट पे आ जाते हैं। मान लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना जी, ठीक है। तो देखो एरिया क्या होता है, एरिया का, जैसे मान लो कि हम लोग
ए इंटू एक्स स्क्वायर निकाल देते हैं आई एक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और एक्स का मान लो कि एक है मीटर, ठीक, मीटर और स्क्वायर है तो ये आपका मीटर स्क्वायर, क्योंकि दो बार लिए हैं, ठीक है। तो टोटल आपका कितना होगा? मीटर का पावर 4 या mm का पावर 4। तो जब भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्सिया का यूनिट पूछेगा तो ये आपका या तो मीटर का पावर 4 होगा या तो mm का पावर 4 होगा, ठीक है। तो ये आपका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या आएगा? मीटर का पावर 4, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, पैरेलल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, परपेंडिकुलर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मेथड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।